वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल लाखों लोग शराब पीने की वजह से मरते हैं। मेरे साथी मेडिकल डॉक्टर्स आजकल कहते हैं शराब एक बीमारी है, लिहाजा हमें ऐसे बीमार यानी शराबी से हमदर्दी जतानी चाहिए। अगर शराब एक बीमारी है तो ये वाहिद ऐसी बीमारी है जो बोतलों में बेची जाती है। ये वाहिद ऐसी बीमारी है जिसका अखबारों और रिसालों में इश्तिहार दिया जाता है, रेडियो स्टेशनों और सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों पर नशर किया जाता है। ये वाहिद ऐसी बीमारी है जिसके वजह सड़कों पर हादसों में लाखों लोग मरते हैं। ये वाहिद ऐसी बीमारी है जिसे फैलाने के लिए दुकानदारों को कानूनी तौर पर लाइसेंस दिया जाता है जिससे हुकूमत की कमाई होती है। ये घरेलू जिंदगी को बर्बाद करती है और जुर्म को बढ़ावा देती है। ये वाहिद ऐसी बीमारी है जिसका सबब वायरस या जरासीम नहीं है, लेकिन हमारा खालिक अल्लाह सुबहान व तआला अपने आखिरी हिदायतनामे कुरान मजीद में फरमाता है, सूरह अल माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अनसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान फजतनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। बेशक शराब, जुआ, खुद परस्ती, पान निकालना, ये सब बुरे शैतानी काम है, इन सब से बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ।